कांशीराम की पुण्यतिथि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, दलितों के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा काम किया। कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज के लिए काम किया, दलित समाज को सुरक्षा दी। एससी एसटी एक्ट केंद्र सरकार और बसपा ने नहीं, कांग्रेस ने लागू किया था। उन्होंने कहा, आज कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर पार्टी ने दलित गौरव यात्रा की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चौपाल लगाई जाएगी। रात्रि विश्राम करके गाँव में लोगों से संवाद भी किया जाएगा। ये यात्रा 26 को संविधान दिवस तक चलने वाली है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। सर, आज काशीराम जी की पुण्यतिथि है और सारे दल दलित एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए, आज हम सब लोगों ने आज यहाँ पे कॉल हाउस में गांधी जी को आज यहाँ पे हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वृक्ष गांधी जी के द्वारा लगाया हुआ है, इनके आदर्शों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर से काशीराम जी दलित मूवमेंट के बड़े नेता थे, उनकी भी पुण्यतिथि है, उनको भी आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको भी नमस्कार प्रणाम करेंगे। और आज से यात्रा ये उनकी भी यात्रा प्रारंभ होगी। निश्चित वो गाँव में हम चौपाल लगा कर रात्रि विश्राम करके सहभोज करके और गाँव में ही रहेगी यात्रा। और निश्चित तौर से हम ये 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलाएंगे और उसमें विभिन्न कई कार्यक्रमों को आगे हम करते हुए और समाज जो अपने आप को अपेक्षित या एक शोषित समझ रहा था उसको मेन स्ट्रीम में ला के जैसे कांग्रेस के समय था उस तरीके से हम उसको लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो आरोप लगा रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस को कि जब उनकी सरकारें रहीं लंबे समय तक तब दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। निश्चित तौर से हम लोगों ने दलित समाज के लिए हमेशा कार्य किया, चाहे आप उनको पेंशन की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे उनको सुरक्षा की भावना थी, उनके जो भी चीज़ें रही हैं हम लोगों ने SC ST एक्ट जो भी चीज़ें हैं वो हमने दिया है। वो केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, वो बहुजन समाज पार्टी द्वारा नहीं दिया गया है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया और हमेशा उनको हमने सम्मान दिया और आगे बढ़ाया है। उसी के तहत आज उनके बीच में जाएंगे और उनको जो भूले भटके थे उनको अपने साथ जोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में यूपी के लिए सीटों का फार्मूला भी तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, वो लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही, कौन लड़ेगा। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, बाकी नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। बहुत शुक्रिया अजय राय जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि दलितों के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया है और विपक्ष के साथ जो भी दल मौजूद हैं वो लगातार दलितों के हित की बात करते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। अगर सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के लिए कोई काम नहीं किया, तो बहुत सारे उन्होंने इसके काम गिनाए भी। कैमरा सुबह दिवकर के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ।